खबर भोपाल से मिल रही है, जहां पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। नर्मदा परिक्रमा की तर्ज पर भोपाल की पदयात्रा करूंगा। लोकसभा चुनाव के 7 दिन पहले ये यात्रा शुरू होगी। लोगों से वोट नहीं संवाद की यात्रा का आगाज किया जाएगा। ये यात्रा होगी, लोगों से वोट नहीं मांगे जाएंगे, संवाद किया जाएगा। तो यहां पर बड़ा बयान है दिग्विजय सिंह की तरफ से। उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी उसी तर्ज पर अब वो भोपाल की पदयात्रा करेंगे। लोकसभा चुनाव के 7 दिन पहले उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी, जहां पर वो लोगों से वोट देने की अपील नहीं करेंगे लेकिन संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। ज्यादा जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता देवेंद्र चौहान से। देवेंद्र, एक बड़ा बयान है, नर्मदा परिक्रमा की है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से विधानसभा में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला था, तो यहां पर अब भोपाल को लेकर उन्होंने जो है वो इस तरीके की यात्रा का आगाज करने की बात की है, किस तरीके की रूपरेखा होगी? जी जमशेद, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं जब दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा की थी और तब उसके बाद सीधे सीधे कांग्रेस सत्ता में आई है और लोकसभा विधानसभा चुनाव उन्हें जीता है, उसी तर्ज पर अब दिग्विजय सिंह ने अधिवक्ता सम्मेलन में साफ तौर पर कहा है कि वो चुनाव से एक सप्ताह पहले नर्मदा परिक्रमा की तर्ज पर अब भोपाल पदयात्रा करेंगे और वोट नहीं मांगेंगे, वो लोगों से संवाद करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि भोपाल लोकसभा क्षेत्र में किस तरीके से दिग्विजय सिंह हर वर्ग से मिल रहे हैं, हर छोटे बड़े आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, हर धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं लगातार। तो वहीं इस एक दिग्विजय सिंह का जो है कि एक बड़ा बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं इस पे नर्मदा परिक्रमा को जोड़कर उन्होंने ये बयान दिया है कि उसी तर्ज पर भोपाल कि वो पद यात्रा करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिग्विजय सिंह में साफ तौर पर देखा जा रहा है, लोकसभा को लेके एक जो कॉन्फिडेंस है उसी के आधार पर ये बयान दिया है, जहां पर हालांकि बड़ी संख्या में जहां बाकी जो अधिवक्ता थे वो मौजूद थे। अब इस बयान के कई सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। जमशेद, शुक्रिया आपका देवेंद्र इस बातचीत के। देवेंद्र सिंह चौहान हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि अब यहां पर अधिवक्ता सम्मेलन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि वो वोट मांगने के लिए यात्रा नहीं निकालेंगे लेकिन संवाद करने के लिए वो यात्रा निकालेंगे और करीब एक हफ्ता पहले इस चुनाव के पहले वो पूरी भोपाल की पदयात्रा करेंगे। एमपी में लोकसभा चुनाव को लेकर